मंदिर के बाहर तापमान 40-50 डिग्री सेल्सियस। मंदिर के अंदर तापमान 10 डिग्री। 10 से भी नीचे आ रहा है ये, अभी देखिए। न कोई एसी, न कूलर, फिर कैसे मुमकिन है ये बदलाव? कोई कहता है ये भगवान का चमत्कार है। भगवान का चमत्कार तो हो ही सकता है। कोई कहता है ये एक अनसुलझा रहस्य है। ये रहस्य रह जाएगा, इसको समझना अभी तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हुआ अभी तक। उड़ीसा के टीटलागढ़ के कुमड़ा पहाड़ी पर बना यह मंदिर है भगवान शिव का। कहते हैं भगवान शिव यहाँ महादेव धवलेश्वर के रूप में विद्यमान है। ये मंदिर किसने बनवाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। ये गुम्फा मंदिर है और यहाँ आदिवासी लोग पहले से ही पूजा करते थे। इसका बाद जो है सोमवंशी राजा लोग पूजा करते थे और तभी से ही जो है शिवजी जो है अंदर हैं। तभी भी लोग यहाँ रात को भी सोते हैं और बोलते हैं कि रात को उड़ के सोना पड़ता है। रात को भी लोग उड़ के सोते हैं, दोपहर को भी टिल्लार के लोग जो गर्मी में तड़प रहे हैं वो भी आके यहाँ रेस्ट लेते हैं और वो ठंड का महसूस करते हैं। टीटलागढ़ का तापमान अक्सर 50-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के अंदर एसी जैसी ठंडक रहती है। जबकि एसी तो दूर की बात है, मंदिर के अंदर न पानी का कोई स्रोत है, न कोई पंखा, न कोई कूलर। इसके अंदर घुसते ही आपको एसी से भी अच्छा वातावरण महसूस होगा। पता नहीं वो भगवान का कृपा है कि क्या है, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी घुसेगा उसको खुद ही पता चल जाएगा कि अंदर कैसा लग रहा है। हमने तय किया कि हम मंदिर के बारे में कही जाती इन बातों की तस्दीक करें। हमारी टीम एक एक्सपर्ट के साथ तापमान नापने वाले रूम थर्मामीटर को लेकर टीटलागढ़ के शिव मंदिर पहुंची। थर्मामीटर के मुताबिक मंदिर के बाहर उस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था और गर्मी बाहर तो बहुत, आप तो मीटर देख रहे हैं यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मंदिर जाएंगे तो आप जरूर इसका आधा ही हो जाएगा, 20 के अंदर ही आ जाएगा। अब अभी शाम होने वाला है, फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, बाहर खड़ा आना ही मुश्किल है। और आप तो पेपर में पढ़े होंगे और न्यूज भी आया हुआ, आज तक में भी आया है, बहुत न्यूज आया है कि यहाँ मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर हमने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, तापमान में कुछ ठंडक महसूस हो रही थी,